स्क्रीन सेवर सेट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाइए। यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है स्क्रीन सेवर। कोई भी विंडो का हो आप स्क्रीन सेवर सर्च कीजिए, इस टाइप का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ तरह तरह के स्क्रीन सेवर का फॉर्मेट ले सकते हैं। 3D टेक्स्ट है, बबल्स है, ब्लैंक भी ले सकते हैं आप, और मैस्टिफाई जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, सुंदर लगता है, बबल्स वगैरह ले सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग की कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ देखिए मैस्टिफाई है, सुंदर लगता है देखने में। और ये क्या होगा कि आप जब इसको लगा देंगे और जब आप कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप का यूज़ में नहीं रखेंगे, थोड़े टाइम के लिए आप सोचेंगे, तब तक ये स्क्रीन सेवर आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, जो आपके बैटरी की बचत करेगा। और ये रिबन्स जो है वो सुंदर लग रहा है देखने में, तो आप अपने मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं। मैं 3D टेक्स्ट लगाऊंगा इसको एडिट करने के लिए। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे टाइम कितना रखना है, 1 मिनट मैंने रखा है, आप 2 मिनट रख सकते हैं, 3 मिनट रख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं 1 मिनट रखता हूँ और इसको यहाँ पे ऑन द रिज़म डिस्प्ले में क्लिक कर देना है। आपको सेटिंग में जाके इसको पहले टेक्स्ट लिखना है, क्या आपको रखना है टेक्स्ट में। मैं यहाँ लिखता हूँ AS बायो सेंटर। ये लिखने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चूज फॉन्ट का। यहाँ पे आप तरह तरह के फॉन्ट ले सकते हैं अपने हैंडराइटिंग के जैसा। लुसीडा हैंडराइटिंग मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बाद इटालिक किया है, बोल्ड किया है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा मीडियम में रखा है। यहाँ पे साइज मिल जाएगा जो आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मैंने इसको लार्ज में रखा है। रोटेशन का स्पीड घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मैंने इसको मीडियम में रखा है। अब यहाँ पे रोटेशन का टाइप मिल जाएगा, किस टाइप का रोटेशन करेगा वो, तो मैंने इसको स्पिन में रखा है, आप दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सॉलिड कलर चूज़ किया है, आपको टेक्सचर भी मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा। तो सॉलिड कलर देखिए, टेक्सचर भी मिल जाएगा आपको और रिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा, आप किसी का भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने सॉलिड कलर चूज़ किया है, इसको कलर ले लेते हैं और यहाँ पर जाके मैं पिंक कलर चूज़ करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा पिंक कलर का चूज़ हो गया है। अब सीधा जाऊँगा ओके में। अब देख लीजिए इसका प्रीव्यू कैसा है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसका प्रीव्यू देख लीजिए फुल स्क्रीन में कैसे दिखता है, ये अच्छा दिख रहा है। ये आपका वेटिंग करेगा 1 मिनट तक। जब 1 मिनट तक आप कोई भी काम अपने लैपटॉप में नहीं करेंगे तब ऐसा ही होगा, अपने खुद भी खुद आ जाएगा, ताकि आपका जो बैटरी है जो लैपटॉप का वो बचत होगा। आप देख सकते हैं वोबल्स का अगर स्पिन लेते हैं, रोटेशन लेते हैं तो कैसा हो, तरह तरह का रोटेशन मिल जाता है आपको यहाँ पे, और तरह का मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ रोटेशन का स्पीड घटा दी हूँ ताकि ये अच्छा लगे देखने में, और स्पिन ले लिया, ये अच्छा लगता है देखने में। इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। अब आपको अप्लाई कर देना है सीधा और ओके कर देना है।